तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले नाइट ऑफ चैंपियंस की बात करते हुए। तो आज रॉ के अंदर WWE ने नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए कुछ नए मैचेस भी अनाउंस किए हैं, कुछ नए मैचेस हो चुके हैं ऐड। दो मैचेस हैं, तो ये कौन से मैचेस हैं देख लेते हैं। पहला है मुस्तफ़ा अली वर्सेज़ गंथर का। सुनने को आया था कि जॉनी गर्गानो वर्सेज़ गंथर हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा अली वर्सेज़ गंथर हो रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली अपडेट वीडियो के अंदर। फिलहाल के हिसाब से मुस्तफ़ा अली ने नंबर वन कंटेंडरशिप वाला मैच जीत लिया एंड अब वो फेस करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर गंथर को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद जो सेकेंड मैच WWE ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है वो है गाइस ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बैकलिंच का। बैकलिंच आई थी आज प्रोमो वगैरह कट कर रही थी। इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, मतलब ऐसा ऑफिशियल ही है, बस वो फॉर्मेलिटी वाली जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है वो होगी। तो अभी के हिसाब से नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए टोटल मिला जुला के 5 मैचेस ऑफिशियली कन्फर्म्ड है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस सेमी जेन एंड केविन ओवंस, ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच, उसके बाद गंथर वर्सेस मुस्तफ़ा अली, और एक और जो अपना मैच है वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का फाइनल्स यानी कि एज स्टार्स वर्सेज सेथ रॉलिंस। तो ये सारे मैचेस WWE ने ऑफिशियली ऐड कर रखे हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। अभी आपको कार्ड कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना। अभी तो मुझे टोटल स्टैक दिख रहा है। अभी एक और मैच मुझे कन्फर्म होते हुए दिख रहा है, वो है आस्का वर्सेज बियांका, वो भी WWE अनाउंस करेगी करेगी। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी हुई है WWE बैटिंग को लेके। एक टाइम पे मैंने आपको अपडेट दी होगी, आपको याद होगा कि WWE ट्राई कर रही है, अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स दे दिए कि ये लोग बैटिंग को लीगलाइज कर सकें। अब देखो WWE के लिए बैट करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, प्री डिटरमाइंड स्पोर्ट है, यानी कि विनर्स जो हैं पहले से बहुत सारे लोगों को मालूम होते हैं। लाइक जो अभी WWE में ऑफिशियल्स हैं उनको तो मालूम होते ही हैं, जो हायर अप्स हैं तो वो लोग बैटिंग में ईजिली जीत सकते हैं। तो इसलिए WWE पे बैट बहुत कम जगह पे होता है, बहुत कम लोग बैट करते हैं WWE पे, बहुत कम लोग जो हैं मतलब इस चीज़ के लिए एबल हो पाते हैं क्योंकि बहुत कम साइट्स या फिर बहुत कम प्लेटफॉर्म्स इस चीज़ को ऑफर करती है। तो WWE रिसेंटली में जो है इस चीज़ के लिए अटेम्प्ट कर रही थी कि मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो WWE बैटिंग को लीगलाइज करे, लेकिन देख के लग रहा है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि स्टिल वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी अपने उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि देखो हम प्री डिटरमाइंड स्पोर्ट्स पे बैटिंग नहीं करवाते हैं, यानी कि हमें नहीं चाहिए कि कोई एक ऐसा स्क्रिप्टेड स्पोर्ट हो जिस पे कि हमारी क्राउड या फिर बाहर से आके क्राउड वोट करे एंड लूट पाट के चले जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई स्क्रिप्टेड चीज़ है, मुझे पता है कि ये जीतने वाला तो जीतने वाला है, तो मैं उस पर 1 करोड़ रुपये लगा दूंगा। अगर दो ऑड्स भी होंगे उस पर तो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बैटिंग कंपनी नहीं चाहेगी कि किसी भी स्क्रिप्टेड चीज पे बैटिंग हो। तो देख के लग रहा है कि बैटिंग WWE पे इलीगल नहीं होने वाली है, मुश्किल है, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है स्मैकडाउन को लेके। तो नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले का जो स्मैकडाउन होगा उसको लेके एक अपडेट है, मेजर अपडेट है। ये जो स्मैकडाउन होने वाला है वो टेप होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस सऊदी अरेबिया से। तो WWE वहाँ पे आपको मालूम है बाहर जाएगी, तो इसके लिए स्मैकडाउन जो है पहले ही टेप करना होगा इन लोगों को। तो जो आपको 26 तारीख का स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है इंडिया को 27 सुबह में आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जब भी आए, लेकिन वो जो नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले का आखिरी स्मैकडाउन है वो जो आने वाला है वो टेप्ड होगा, यानी कि वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। उसके रिजल्ट्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा, मतलब स्पॉइलर में, हाँ मजा में पहले ही खराब कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि WWE क्रिएटिव कंट्रोल को लेके। रिसेंटली में बहुत सारे सुपरस्टार्स को क्रिएटिव कंट्रोल मिला है माइक के ऊपर। WWE एक नई पॉलिसी के साथ चल रही है, मल्टीपल सुपरस्टार्स को जो है लाइसेंस मिल रहा है कि वो माइक पर क्रिएटिव हो सके। जैसे अभी रिसेंट में एग्जांपल LA Knight एक है एंड और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अभी अनडिस्क्लोज्ड हैं। WWE इनको दे रही है क्रिएटिव कंट्रोल। ऐसे में आपके हिसाब से कौन से नेम्स हो सकते हैं? मेरे हिसाब से एज होंगे क्योंकि तभी एज ने वो वीडियो ड्रॉप करी। ब्रॉक लेसनर तो होंगे ही होंगे, बॉबी लैशली या फिर ऐसे सुपरस्टार्स भी कुछ टॉप टैलेंट्स हैं जो कि इस लिस्ट में आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से ये कुछ सुपरस्टार्स हैं, बाकी WWE क्रिएटिव कंट्रोल इन लोगों को माइक पे दे रही है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आखिरी अपडेट के बारे में जो कि डिसअपॉइंटिंग है ब्रे वायट को लेके। डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ही आती है ब्रे वायट को लेके, वो क्या हम देख लेते हैं। तो ब्रे वायट को लेके न्यूज़ ये है कि WWE के सारे इंटरनल रोस्टर्स में से ब्रे वायट को रिमूव कर दिया गया। इंटरनल रोस्टर का मतलब है डिस्कशन से जो अंदर की स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है, सारे से ब्रे वायट को रिमूव कर दिया गया। ये भी PW इनसाइडर की रिपोर्ट है, यानी कि छोटी मोटी नहीं, बहुत ट्रस्टेड है। सो ब्रे वायट का रिटर्न अभी देखने को नहीं लग रहा है कि होने वाला है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। वैसे हमें बता दो कि ये रोस्टर से रिमूव करना इसका मतलब ये नहीं कि रिलीज हो गए। वो रिमूव करना और रिलीज करना अलग होता है। रिमूव करना मतलब प्लान से बिल्कुल रिमूव कर देना। बाकी इस वीडियो के लिए यही अपडेट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफ एयर काफ इंटरेस्टिंग वीडियो में।